एचआर के यूट्यूब लाइव स्टूडियो में श्रुति जी आपका स्वागत है। और जो है आज 25 साल मानवाधिकार जन निगरानी समिति पीपल्स विजिलेंस कमेटी एंड ह्यूमन राइट्स के हुए हैं, तो इन 25 सालों में आप क्या संदेश आज लोगों को देना चाहती हैं और ऐसी और क्या अचीवमेंट रहा है उसके बारे में अगर आप विस्तार से बता सकते। पीवीसीएचआर का तो बहुत सारा अचीवमेंट है और मूलतः हम देखते हैं कि जो तीन तरीके के काम है कि लोगों के बीच में, क्योंकि पीवीसीएचआर 1996 में बना और मूलतः जो हम देखते हैं कि तब और अब में मानव अधिकारों के संदर्भ में बहुत परिवर्तन आया। तब मानव अधिकारों की कोई बात नहीं थी, केवल शासन और सत्ता, राजनीति और तमाम चीजें थी। मानव अधिकार एक पश्चिमी देशों का अवधारणा कहा जाता था यहाँ पे, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे भारतीय संविधान में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी जानकारी सब नहीं रखते तो उस तरह की बात आती। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मानव अधिकारों के मूल विचार को पीवीसीएचआर ने स्थापित किया। कम से कम हम कहें तो उस समय जो है, जब 1996 में पूर्वांचल में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हम लोगों ने मिल करके ये मानव अधिकारों के संरक्षण के और उस मूल विचार को और यातना को, संघर्ष को को खारिज किया और यातना को खारिज किया और मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की बात उठाई, तो एक ये महत्वपूर्ण रहा। दूसरा जो पीवीसीएचआर ने काम किया, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म का काम किया, वो चाहे न्याय से जुड़े या उत्पीड़न से जुड़े हुए, जहाँ पे न्याय उत्पीड़ित लोगों को पुलिस कहें, मूलतः पुलिस कहें, जहाँ जहाँ कोई भी बात होती है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो थाने में जाते हैं और उस जगह पे न्याय के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन लगे हुए थे उनमें उनके रिफॉर्म का काम किया। जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी सेवाएं हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली, खास करके जो पीडीएस डिपार्टमेंट है, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है, आईसीडीएस की जो सर्विसेज हैं, या स्कूल की जो सर्विसेज है, उनकी शिक्षा की जो सर्विसेज है, या स्वास्थ्य की जो सर्विसेज है, इस तरह के संस्थाओं के रिफॉर्मेशन का काम किया। संस्थाएं थी, सेवाएं दे रही थी, पर उनमें कई बार वंचित वर्गों को, कई बार नहीं, ये आमतौर पर होता है और ये भी एक तरीके का मानवाधिकार का उल्लंघन है कि जो वंचित समुदाय है, जो हाशिए पे जीने वाला समुदाय है, जो जाति में जिनको निचले पायदान पे रखा गया है, या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उन समाज को हमेशा हाशिए पे जीने के लिए बाध्य किया जाता है और ये मुद्दा, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सब हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना दूसरे व्यक्ति को, और सबको बराबरी से भारतीय संविधान के अनुसार सभी कुछ बुनियादी जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन आसानी से जी सके और वो बराबरी के तौर पे अपने आप को विकसित कर पाए, एक इंसानी गरिमा के साथ जी पाए। तो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्मेशन का काम हम लोगों ने किया, जहाँ हम देख रहे थे उस समय की तमाम इंस्टीट्यूशनों में उनकी पहुंच नहीं थी और जब भी कभी वो जाते भी वहां थे तो वहां से वो धकिया दिए जाते थे। तो ये बड़ा काम हुआ और इस काम में जो हम लोग ने वंचित समुदायों को लीडरशिप डेवलप किया उनके साथ, वो बड़ा काम आज हमें ये तीन मूल काम हमको याद आता है जो हम लोग ने किया। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं अगुआ लोगों में, जो हाशिए पे जीने वाले समाज के लोग हैं, मुसहर हैं, नट हैं,
या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं या बच्चे हैं, बच्चों की जो बाल पंचायतें हैं और महिलाओं के जो संगठन हैं, उन अलग अलग लोगों के साथ हम लोग ने उनके मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य विकास का काम और उसको प्रैक्टिस करने का काम और अपने अधिकारों की एसेसिबिलिटी उन तक पहुंच बने इसके ऊपर हम लोग ने काम किया। और तमाम अगुआ खड़े हुए जो अब केवल अपना जीवन नहीं सजा सवार रहे हैं बल्कि वो अपने जहां भी वो रह रहे हैं उस क्षेत्र में मानव अधिकारों के सवाल को खड़ा कर रहे हैं, एक माहौल को बदल रहे हैं। और अब वो स्थिति हम लोगों को कम से कम नहीं दिखती, जिन 200 से अधिक गांव में हम लोग काम कर चुके हैं उन गांवों में वो स्थिति नहीं दिखती कि लोग अभी भी मजबूर और मजलूम होने को जी भुगत जीने को बाध्य हैं, बल्कि वो एक इंसानी हक हकूक के साथ अपने अधिकारों को तक अपनी पहुंच बना रहे हैं और उसके संघर्ष में और जद्दोजहद में लगे हैं। और वो संघर्ष और वो जद्दोजहद तो बराबर लगा रहेगा पर उनको इस बात का एहसास है और वो नेतृत्व कर रहे हैं इस बात का। लोगों जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े कार्यकर्ता या जिनको स्कॉलरशिप दी गई, ऐसी कोई कहानी है जो हो जरूर एक नाम ले, क्या बदलाव आए, कैसे आपने देखा और वो बदलाव बहुत से बहुत सारे इस तरह के कहानियां हैं और हम लोग ने अपने लिखी किताबों में उनका उल्लेख भी किया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो निकल के आए, लड़कियां जो निकल के आई जो BBCHR के साथ जुड़ करके और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बहुत सारी लड़कियां जो हमारे संपर्क में हैं उन्होंने लॉ क्लियर किया और उसमें से कुछ बच्चे जो है FK फेलोशिप में भी शामिल हुए और वो नॉर्वे और पीस कैंप में से जुड़ करके उन्होंने मानव अधिकारों के ऊपर काफी काम किया और अपनी समझ बनाई और आज उनमें से कुछ लड़कियां लॉ को प्रैक्टिस कर रही हैं। कुछ इसी तरीके का संगठन बना करके वो गांवों में वंचित वर्ग के समाज के साथ काम कर रही हैं। कुछ टीचर टीचिंग लाइन में है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो अपने हाथ पैर पे खड़े हुए कुछ ऑफिस जॉब में है और के अब बराबर उन लोगों से संपर्क बना रहता है हम लोगों का और वो कांटेक्ट में रहते हैं हमारे अभी व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के जरिए। तो ये दिखाई देता है कि जो कुछ यहाँ इन्होंने सीखा, खास करके लड़कियां जो महिला अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने सीखा, कम से कम वो अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस कर पा रही है, इस बात का बड़ा संतोष है। वो रोल मॉडल के अपने इर्द गिर्द रोल मॉडल के रूप में दिखाई दे रही है, लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। जैसे संगठन से जुड़ी हुई लड़कियों ने बाल विवाह का विरोध किया, खुद के बाल विवाह का विरोध किया और दूसरी जो कम्युनिटी में लड़कियों का बाल विवाह हो रहा था उसका प्रयोग, फीमेल फिटिसाइड का विरोध किया जब उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि हम इस तरीके के परीक्षण में नहीं जाएंगे, इस तरह की स्टोरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रोल मॉडल के रूप में उभर रही है और सबसे अच्छी बात है कि वो अपने स्त्री अधिकार को समझ रही है और वो एक तरीके से दूसरे लोग उससे सीख रहे हैं, उनके अगली पीढ़ी उससे सीख रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है और केवल लड़कियां नहीं, बहुत से लड़के हमने सीधे सपोर्ट किया लड़कियों को, पर बहुत से लड़के जो संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, FK फेलो में भी बहुत सारे लड़के हमारे साथ जुड़ करके पीस का प्रोग्राम में जुड़े और आगे तक गए, उन्होंने संस्था के साथ इनसेक के साथ और BBCHR के साथ मिलकर के मानव अधिकारों में अपना परिप्रेक्ष्य बनाया और कुछ काम भी किया। तो वो लड़के भी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और केवल मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रही हूँ जो FK फेलोशिप को जिन्होंने ज्वाइन किया, बल्कि बहुत सारे जो यूथ क्योंकि बाल पंचायतें हम लोग आयोजित करते थे, बच्चों का अपना समूह हम लोग ने बच्चों के सहभागिता के अधिकार के तहत बनाया और UN कन्वेंशन में इसकी बात की गई है बाल अधिकारों की, उसमें हम लोग ने UNCRC में तो हम लोग ने जो बाल संगठन बनाए उनमें बच्चों की अभिव्यक्ति का, उनको जानकारी देने का, अपने बारे में निर्णय लेने का, अपनी
सारी चीजों से अवेयर रहने की, इन सब चीजों को तो उनके साथ तरह तरह की गतिविधियां चला करके हम लोग ने उसको सीखा समझा बच्चों के साथ। और वो लड़के अलग अलग जगह में जहां भी काम कर रहे हैं वो इन चीजों को की समझदारी, बेसिक समझदारी देकर के काम कर रहे हैं और अपने अपने समाज में उनसे जितना बन रहा है वो उसको कंट्रीब्यूट। आगे क्या लगता है कि 25 साल है, अगले 25 साल मानव अधिकार जनकारी समिति दिल्ली से अच्छा जमीन बुनियाद क्या स्थापित करेगा? जो ये लग रहा है कि हम एक मील का पत्थर बन चुके हैं, एक जगह पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम जो बहुत सारी लंबी यात्रा है और उसमें जो हम लोग ने बहुत कुछ किया, मैं बार बार बताती हूँ कि हमने BBCHR में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य को स्थापित किया, खड़ा किया। लोग, ये उस समय की बात है जब कोई इस पे बात नहीं होती थी, खास करके पुलिस के बारे में, पुलिस के द्वारा जो दिया गया टॉर्चर है या ऊंची जातियों के द्वारा दिया गया जो टॉर्चर है या दबंगई है, उस जो अब अति वंचित समुदाय था उनके ऊपर जो हमारी जाति व्यवस्था में रूल करने का आदत है और सब कुछ अपने अनुसार करने का आदत है, तो उन चीजों को जो हम लोग ने बदला है वो आगे दिखाई दे रहा है कि उस परिप्रेक्ष्य को काफी हम लोग गहरा जमा चुके हैं और उन चीजों को अब लोग खारिज कर रहे हैं साफ साफ। और बराबरी के आधार पे, समता के आधार पे और एक समता मूलक समाज की स्थापना दिखाई दे रही है, वो विजन उनकी आंखों में दिखाई दे तरीके का इस मुहिम को आगे बढ़ा, अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को खुद आगे बढ़ा रहे हैं और चीजें खड़ी हो रही हैं और लोग आगे तक जा रहे हैं। यही बहुत उत्साह देने वाला, अगर कायदे से इतिहास को पलट के देखा जाए और अध्ययन किया जाए तो PBCHR का एक लंबा और गहरा योगदान है। और अब उन चीजों को जो इंसानी हक हकूक को जो दबाने वाली बात थी वो अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बल्कि कानून में लोगों का आस्था और विश्वास बढ़ा है, न्याय के ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ा है, सरकार की जो कार्यक्रम है, नीति है, योजनाओं है, परियोजनाएं हैं, उनमें उनकी भागीदारी हुई है, वहां तक उनका पहुंच बना है, उस तक हम कैसे पहुंचे इसके ऊपर उनकी एक समझ और विश्वास पैदा हुआ है लोगों के बीच में। और ये हम कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हम सरकार को एक तरीके की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की भी ये मंशा रहती है घोषित रूप से कि वो लोगों को उनके उनके बुनियादी जीवन स्तर को सुधारेगा। जो SDG गोल है उसमें भी 30 गोल में बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, PBCHR काम कर रहा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और मानव विकास का सूचकांक समृद्ध करना है। तो हम लोग हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग उन चीजों तक लोगों को सक्षम कर दिए हैं, अब लोग खुद वहां तक पहुंचेंगे और उसको प्राप्त करेंगे और लोगों के जीवन में बदलाव की एक मिसाल खड़ी है और वो आगे और सुनहरी और खूबसूरत होगी, सब लोग शिक्षित होंगे और एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पे गैर बराबरी नहीं। तो आप, हम लोग बात कर रहे थे स्थापना दिवस पे मानवाधिकार जननिर्णय समिति और जनमित्र दास के को-फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी से, आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे लाइव पे अलग अलग मुद्दों पे, क्योंकि आज काफी मटेरियल्स गया है, तो यही संदेश है। और आप 25 सालों तक जो है लगातार मानवाधिकार जननिर्णय समिति के साथ जुड़ी रही, अधिकांशता जो है मतलब ऑलिंपी जो है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक अच्छा संगठन बनाया। आगे भी हम लोग बातचीत जारी रखेंगे साथ में।